सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहीउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। उन्होंने इन वार्ड्स के बल्दी बरकी और आबरसानी के मसाइल का भी तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई इलाकों में करोड़ों रुपये के काम मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज की जानिब से कई मकामात पर शहरियों को मकानात बनाने से रोका जा रहा है। दो दिन पहले कलेक्टर हैदराबाद से इस सिलसिले में तफसीली नुमाइंदगी की गई थी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर GHMC ने तयकुन दिया है कि अंदरून 3 दिन फ़ौजी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी आवास के अंदर इंजीनियरिंग चीफ जनाब जावेद साहब और उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स के साथ में आज मुख्तारगुड़ा डोली चौकी बालाडी नगर में विरासत नगर नदीम कॉलोनी जमाली कुंडा शातम नगर मोती दरादा अफसर खान कॉलोनी अहमद कॉलोनी लंगर हाउस फतेह दरादा और इन तमाम इलाके जात का दौरा किया और कई करोड़ रुपये के काम मंजूर है और प्रोसेस में रहने के बाद चंद जगह पर मिलिट्री के अहदेदार ने GHMC के बड़े कामों को रोक दिया जा रहा है और ख़ास तौर से आज से 6 महीने पहले सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब के लीडर्स को दिल्ली को भी रवाना किया था और यहाँ पर बल्लारा में भी सब एरिया कमांडर जनरल QO और उनके तमाम मिलिट्री अहदेदारों को भी लेटर MP साहब के लेटर देने के बाद भी कई जगह पर परमिशन देकर मुकर कर काम को रोक दिया जा रहा है और इसके बारे में पिछले 2 दिन पहले जिले कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात कर तफसीलात मिलिट्री वालों के ताल्लुक से बताया गया। उसके बाद कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार साहब को भी बताया था और उन्होंने तयकुन किया कि 2-3 दिन के अंदर मिलिट्री के अहदेदारों के साथ में मीटिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ के जो भी डेवलपमेंट के काम हैं बड़े बड़े नालों के कामों को चालू किया जाएगा। आज उसी घड़ी के अंदर चीफ इंजीनियर साहब का मुख्तलिफ इलाकाजात के अंदर दौरा किया गया और उस दौरे के अंदर तमाम बल्दिया के अहदेदार और नानानगर कारपोरेटर और जमात के सरगर्म कारकुन भी साथ में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों को जल्द से जल्द करने का तयकुन दिया गया। शुक्रिया खुदा।